हाँ बेटा, बोलो कैसी हो। मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अरे बेटा थक गई हूँ। क्यों, क्या हुआ आपको? अरे बेटा सुबह पहले उठकर नाश्ता तुम्हारे भाई को बना के दिया, उसके बाद सारा किचन समेटा, तो बस थकना तो था ही ना बेटा। महारानी क्यों अम्मी, आपने क्यों सारे काम किए? कहाँ है भाभी? का मिजाज जो ठीक नहीं है, उसने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, तो जाहिर है बेटा फिर मुझे ही सारे काम करने थे ना। अम्मी मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। कहाँ है भाई? उसने कुछ नहीं कहा? अरे उसमें इतनी जुर्रत है कि वो उसको कुछ कह सके? दो क्या मतलब? आप तो उस दिन कही थी भाई ने डांटा है भाभी को। दिन तक उसको मनाता रहा, सारे उसने जतन कर लिए, बस पैरों को हाथ लगाना बाकी रह गया था। और ऊपर से उसने कसम खा ली कि आइंदा से मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। मुझे तो लगता है कि इसने मेरे बच्चे पे जादू टोने कर दिए हैं। हो भी सकता है अम्मी, उसकी माँ कितनी तेज तरार औरत है। मुझे तो दोनों माँ बेटियां ना जादूगरनियां लगती हैं। मैं तो तुम्हारे भाई को लेकर बहुत परेशान हूँ। अरे इतने नखरे तो उसने कभी हमारे नहीं उठाए जितने चुड़ैल के उठा रहा है वो। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं आती हूँ ना, बात करती हूँ भाई से। हाँ बेटा तुम ही समझाओ कुछ, शायद वो तुम्हारी कोई सुन ले। अच्छा बेटा मैं फोन रखती हूँ, मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है और कुछ घर को भी समेटना है। क्या मतलब, अब दोपहर का खाना भी आप बनाएंगी? क्या करूँ बेटा, मजबूरी है, उस मोहतरमा का तो मूड ही ठीक नहीं है, वो कहाँ कमरे से बाहर निकलेगी। अल्लाह अम्मी, इतने सारे काम पर आप फिक्र ना करें, मैं चक्कर लगाती हूँ, 2 दिन में भाई को सीधा करती हूँ। ऐसे कैसे आपको सारे काम करने दे रहे हैं? आप फिक्र नहीं करें, मैं आऊंगी जरूर, बात करती हूँ भाई से। अच्छा बेटा खुदा हाफिज। ये बेचारी अम्मी, सारे काम उन्हें करने पड़े, और एक मेरी सास है, हर वक्त बिस्तर तोड़ती रहती है बेचारी अम्मी। ये भी 2 दिन, सारे 2 दिन। ऐसे क्या देखनी है? मेरी अम्मी ना इस उम्र में सारे काम करती हैं, आपसे थोड़े से और बर्तन ही धोए जा रहे। और हाँ, मुझे कहना था कि प्लीज आप अपने कपड़े खुद धोया करें और अलग धोएं, क्योंकि आपके कपड़ों से इतनी गंदी बू आती है ना दवाइयों की, मैं नहीं चाहती कि आमिर और मेरे कपड़ों में से भी वही बू आए। प्लीज सायरा कहाँ हो? आप प्लीज छोड़िए छोड़िए। अरे भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अम्मा जबरदस्ती आ गई और बर्तन धोने लग गई। मैंने तो इतनी बार मना किया कि मैं धोऊंगी बर्तन, बस सुनती नहीं है। देखा आपने कितनी अच्छी बहू मिली है आपको। खामखा आज के दौर में लोग कह रहे होते हैं कि इतनी अच्छी बहू मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो अपने घर का ख्याल ना रख सके। और आप ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए? क्यों बुरा लगा जल्दी आना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपका आना तो अच्छा लगा है। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए और अम्मा के लिए खाना लगाती हूँ। वो दवा खाई आपने? जी जी, दे दी थी दवा, दे दी। शायद आप भी चल के आराम करें ना। अगर आप चाहती हैं ना कि आपके बेटे के और मेरे ताल्लुकात ठीक रहे, तो प्लीज अपना मुंह बंद रखिएगा। अब जाएं, करें आराम, लाती हूं आपके ठूसने के लिए कुछ। जाएं, अंकल खड़े हो जाते हैं। शुक्र है मैं किचन में थी, वरना सिचुएशन हैंडल करना मुश्किल हो जाती मुझसे।